हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएफ ट्रेडिंग चैनल। तो दोस्तों, आज जो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मुझे लगता है इस सेक्टर में और स्टॉक के अंदर आने वाले समय में आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देख सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी समय में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की पहली वीडियो के साथ। तो जिस स्टॉक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है लेमन ट्री होटल। जैसा कि आप जानते हैं कि होटल सेक्टर बहुत ही ज्यादा बजिंग चल रहा है और कहीं ना कहीं होटल सेक्टर में डिमांड बहुत हाई चल रही है, लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने आपको इजी ट्रिप पे भी वीडियो बनाई थी, और इजी ट्रिप पे जो वीडियो बनाई थी मैंने 42 रुपए के अराउंड बनाई थी। आप देख सकते हैं आज इजी ट्रिप कहाँ है, उस वीडियो को बनाए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है। और जिसने उस स्टॉक को 43 पे ले रखा है या 42 पे ले रखा है, मैं चाहूंगा उसको होल्ड करने की सलाह दूंगा, और उसमें आने वाले समय में काफी बेहतरीन टारगेट मिल सकते हैं। तो अब मैं आपको लेमन ट्री के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेमन ट्री का चार्ट है, और इस चार्ट में आप कंटिन्यू एक चीज नोटिस करेंगे, तो इस चार्ट ने अपना जैसे ही इसमें 2000 अराउंड, ये 2018 के आसपास जैसे ये अलॉट हुआ था, तो इसने 84 का हाई मार के सीधा इसने लो मारा था 14 रुपए का, और कंटिन्यू वहां से गिरते गिरते अब वापस ये उठा है, और उठ के इसने अपना हाई को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तोड़ा। ये मंथली चार्ट है, और तोड़ने के बाद अब ये ऊपर सस्टेन कर रहा है। लेकिन अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि ये अपने ऊपरी लेवल पे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसका वीकली चार्ट है, और जिस लेवल को इसने पहले रेजिस्टेंस लेता था उस लेवल को अब ये सपोर्ट ले रहा है। वो लेवल था इसका 84-85 के अराउंड, और देख सकते हैं आप इस लेवल पे सस्टेन होने के बाद उसने इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, और इस ब्रेकआउट के बाद अब इसने करा क्या है आप देखिए। अब मैं आपको इसमें डे का चार्ट दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका डे का चार्ट है, और इस डे के चार्ट में इसने अपना पहला हाई मारा 124 का, और 124 से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई 102 के आसपास, और आज ये दोबारा से इस लेवल को तोड़ के अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ। आप कैंडल देखिए, कैंडल की कितने महत्व है आप इससे जानिए। उसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया और उसके ऊपर सस्टेन करके अब ये निकलने के लिए तैयार हो रहा है। तो मेरी लेमन ट्री को लेके खरीदारी की राय है, लेकिन आप अपना एनालिसिस खुद कर लेना, क्योंकि मेरी तरफ से मैं आपको अपना 100% कंटेंट देता हूं, लेकिन बिना आप अपनी मर्जी के, बिना आप अपना एनालिसिस करके कोई भी शेयर ना लीजिएगा। मुझे इसमें आने वाले समय में मैं आपको फिबो का एक लेवल लगा के दिखाता हूँ, जिससे आप आने वाले समय में इसके टारगेट देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से फिबोनाची लगाई, जो लास्ट इसका स्विंग था वो ये था, और इस फिबोनाची से आप देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट हुआ है, जो हमें आने वाले समय में 157 तक के टारगेट दिखा सकता है, और 157 के टारगेट मुझे इसमें इजीली दिखते हैं। और इससे पहले अगर कोई इसको शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहता है, तो जैसे ये स्टॉक आप देख सकते हैं अभी ये चल रहा है 134 के अराउंड, और ये पूरा बाइंग एरिया है, यहाँ पे भी बाइंग कोई कर सकता है, थोड़ा नीचे मिले तो भी कर सकता है। और ये स्टॉक अगर 124 के नीचे आता है तो आपको मैं इसमें एग्जिट देने की राय दूंगा। तो ये थी मेरी लेमन ट्री के ऊपर राय। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज गाइड कमेंट करिए, और मुझे बताया करें कि आपको और किस शेयर के बारे में जानना है। अगर आपका किसी भी शेयर में पैसा फंसा है तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं आपको एक व्यू दे सकूं, एक नजरिया दे सकूं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।